हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। दिस टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 12 ऑफ योर कंटेंट बुक। ओके, सो टास्क इज द मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन होता क्या है, हमें करना क्या है, पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, समझना है कि मास कम्युनिकेशन होता है। और आपने आपकी बुक पे जो KWL चार्ट दिया गया है उसे फिल करना है। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, के मीन्स नो, डब्ल्यू मीन्स वॉन्ट टू नो एंड एल मीन्स लर्न्ड। नो मीन्स कि आप क्या जानते हो मास कम्युनिकेशन के बारे में, आप यहाँ पे लिखेंगे। एंड व्हाट यू वॉन्ट टू नो, और क्या आप चाहते हो जानना, वो आप यहाँ पे लिखोगे। और जब हम ये टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपने क्या सीखा, फिर आप यहाँ पे इस वाले कॉलम को फिल करोगे। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन होता क्या है, हमने तो पढ़ा था पहले कि मास कम्युनिकेशन मीन्स जब हम कम्युनिकेट करें, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करें, और जिसमें रिसीवर क्या हो, बहुत सारे हो, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो, उसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम इस मास कम्युनिकेशन को और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि मास कम्युनिकेशन को अब हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ मास कम्युनिकेशन, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन या तो कोई मैसेज थ्रू मास मीडिया टू लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि मास मीन्स लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। तो जब हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करें और उस आइडिया को देखने वाला, सुनने वाला या समझने वाला लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन हो, मीन्स बहुत ज़्यादा पर्सन्स हो, पॉपुलेशन जो हो लोगों की बहुत ज़्यादा हो, उसे हम मास कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, अब हमने मीडिया का पढ़ना है कि हम जैसे मीडिया का यूज़ करके कैसे हम मास कम्युनिकेशन करते हैं, क्या क्या मीन्स है, क्या क्या माध्यम है। ठीक है, सो मास कम्युनिकेशन में रेडियो आएगा, क्योंकि रेडियो में सेंडर तो एक होगा बट उसके रिसीवर बहुत सारे होंगे, है ना। देन टेलीविजन, न्यूज़पेपर, बुक्स, फिल्म एट्सेट्रा, दीज ऑल आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि इसमें रिसीवर क्या होते हैं, जो रिसीवर होते हैं वो लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन होती है। क्योंकि हमें पता है कि कम्युनिकेशन में एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, तो जिसमें रिसीवर बहुत सारे लोग हों उसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब आपकी बुक में बताया गया है कि आपने लिखना है और इनकी पिक्चर्स भी ड्रॉ करनी है अगर ज़रूरी हो तो। तो चले हम पिक्चर्स भी ड्रॉ करते हैं। हम टेलीविज़न की पिक्चर ड्रॉ करेंगे, रेडियो की पिक्चर ड्रॉ करेंगे एंड न्यूज़पेपर की पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये मास कम्युनिकेशन का टॉपिक कम्प्लीट हो जाता है। तो जब आप ये पढ़ लेंगे उसके बाद आप लास्ट वाले कॉलम को भी फिल करोगे कि आपने क्या सीखा इस टॉपिक में। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।